प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। फिर से एक बार जीवन रोटी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रिची डेविड फिर से एक बार इस अद्भुत कलाम के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष कलाम पर, जो आपके मन में ये सवाल जरूर से उठते होंगे कि मैं कैसे पवित्र आत्मा से भर सकता हूँ, कैसे मैं पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे हृदय के अंदर अक्सर उठते हैं और आज इसी प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हमें पवित्र आत्मा की क्यों आवश्यकता है, क्यों हमें पवित्र आत्मा से भरना है। और अगर हमें ये बात मालूम चल जाती है कि हमें क्यों पवित्र आत्मा से भरना है, तो हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करता है और कब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। सबसे पहले तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह ने यहूदियों के सरदार से ऐसा करके कहा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, निकोदेमुस नाम का एक सरदार था यहूदियों का, जो यूहन्ना की किताब 3 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। और आप अगर आप उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की हमें क्यों आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमारे उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन शैली को जीने के लिए आवश्यक है। जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको जुगत लगानी पड़ेगी। और पवित्र आत्मा जो आपके जीवन के अंदर काम करते हैं, जो आपको गाइडेंस करते हैं, वो काम आप अपने आप से करना पड़ेगा, खुद पर खुद करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर हम तीतुस पढ़ते हैं, तीतुस 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा बनाने, हम जब पवित्र आत्मा हमें नया बना देता है तो हमारे लिए स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करना ईजी हो जाता है। पवित्र आत्मा की इसलिए हमें जरूरत है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में इजिली से प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हमें पवित्र आत्मा की हमारे जीवन के अंदर जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाने के अंदर मदद करता है, नए बनने के अंदर मदद करता है कि हमारा जो पुराना जीवन है, हमारा जो पुराना व्यक्तित्व है, उसको हमें खत्म करने के अंदर, उसको हमारे जीवन से हटाने के अंदर हमारी पवित्र आत्मा मदद करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें अपने जीवन के अंदर जरूरत है। मैं आज आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा, सिर्फ 3 बातों को करने से आप पवित्र आत्मा के सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि आप और मैं इस बात को अपने जीवन के अंदर जानने पाए कि सबसे पहले हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसको अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना है। जब तक हम यीशु मसीह पर अच्छे से विश्वास नहीं करते, जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते, तब तक हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर ले नहीं सकते हैं। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, रोमियो की किताब अगर 10 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत के अंदर आप पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि प्रभु परमेश्वर ने उसे मरुओं में से जिलाया, तो भाई 9वीं आयत को मैंने पढ़ा आपके बीच में। और जब तक हम यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करते अपने जीवन के अंदर कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही
मेरा उद्धार करता है, और यीशु मसीह को अपने अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण नहीं करते और इस बात के विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह ही मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, वही मृतकों में से जीवित हो गया, तब तक आप उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक आप उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले, इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, सबसे पहले आप उद्धार को प्राप्त करिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए अपने जीवन के अंदर। और यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं पहले से, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग तो पहले से यीशु मसीह को जानते होंगे, बहुत पहले से आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर रखा होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब तक हमारा जीवन बदल नहीं जाता है, जब तक हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो गया है, तब तक हमने यीशु मसीह को नहीं जाना है। यीशु मसीह को जानने का अर्थ है कि हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा, अब बदल गया है, हमने यीशु मसीह की सामर्थ को पहचान लिया है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, हमने इस बात को जान लिया है, हमने उसको अंगीकार कर लिया है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया और वो मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही गाड़ा गया, मेरे लिए ही मृतकों से जीवित हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करें। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, 10वीं आयत के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धर्मी बन जाएंगे, मतलब आपके अंदर से वो बुराइयां जो पहले पाई जाती थी वो नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, और जब आप अंगीकार करने लग जाएंगे कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है और कोई मेरा परमेश्वर नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर उद्धार काम करने लग जाएगा। एक जगह पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 31वीं आयत में लिखा है, जब दरोगा ने उससे ऐसा करके पूछा कि हे लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, हम उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करें, तब पौलुस ने ऐसा करके उसको बोला, पौलुस ने उसको ऐसा करके बताया, उत्तर दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना हमें आवश्यक है, तभी हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं और पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने का मौका दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते तो हैं मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन उनके कार्य यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यदि आपके कार्य भी यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं, जो वचन यीशु मसीह ने हमसे बोले हैं, वो कार्य हमारे उससे मैच होते हैं, तो ही हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अन्यथा हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के प्रिय जनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले आप यीशु मसीह को अपने जीवन को पूर्ण रीति से दे दीजिए और यीशु मसीह को अंगीकार करिए, उस पर विश्वास करिए, तो आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। दूसरा स्टेप है कि आप यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा अपने जीवन में ले। यदि आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और बपतिस्मा अब तक आपने नहीं लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप बपतिस्मा ले यीशु मसीह के नाम से। बपतिस्मा ले, बपतिस्मा क्या करता है, बपतिस्मा हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को इजाजत देता है, क्योंकि बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम इस बात का अंगीकार कर लेते हैं कि प्रभु मैं पापी था, अब मैं अपनी पापों की क्षमा का आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। हालेलुया। और इस बात की घोषणा होती है कि प्रभु अब मैं संसारिक नहीं रहा, मैं अब आपका हो गया हूं। हालेलुया। अब पूर्ण अधिकार आपका मेरे ऊपर हो गया, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लूका की किताब के अंदर अगर हम देखते हैं तो लूका की किताब में इस प्रकार से लिखा है, 3:21 के अंदर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर जैसे ही वो पानी से बाहर आया, बाइबल इस प्रकार से लिखा है, वो प्रार्थना करने लगा और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए इजाजत
दे देते हैं और बपतिस्मा आपके जीवन के अंदर बड़ा काम करता है। हालेलुया, क्योंकि बपतिस्मा आपको परमेश्वर के सपोर्ट कर देता है, परमेश्वर के अधीन कर देता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि एक जगह पर इस प्रकार से भी लिखा है, प्रेरितों के काम के अंदर इस प्रकार से लिखा है, अगर आप पढ़ते हैं 19वीं अध्याय के अंदर, उसके अंदर पढ़ते हैं, तो पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा विश्वास करते समय उन्होंने कहा हमने तो नहीं पाया, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तब यीशु तब पौलुस ने उनको, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पौलुस ने 5वीं आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा, 19 की 2 आयत पढ़ी पहले मैंने, फिर मैं कह रहा हूं 5वीं आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा, उसने उन्हें बपतिस्मा दिया और उनके लिए उसके बाद में प्रार्थना किया और जैसे ही उसने उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया वैसे ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से काम करेगा। यदि अब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया है यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब तक अभी तक आपने डूबे नहीं है यीशु मसीह के अंदर, हालेलुया, तब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि आपने खुद ही यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया। और तीसरी बात यह है, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो प्रार्थना में लग जाइए। हालेलुया, बाइबल इस प्रकार से कहती है, वचन और प्रार्थना आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, तीसरी बात यह है कि वचन और प्रार्थना आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया, तभी आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, पवित्र आत्मा को जान सकते हैं, पवित्र आत्मा को पहचान सकते हैं। यीशु ने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया और उस पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, प्रेरितों ने बपतिस्मा लिया, प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों के काम के अंदर प्रकार से लिखा है, एक अध्याय के अंदर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे अध्याय के अंदर इस प्रकार से लिखा है पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। हालेलुया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया, और जब आप बपतिस्मा ले लें, आप प्रार्थना और वचन के अंदर लग जाइए। हालेलुया, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए। हालेलुया, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करने का समय बनाइए। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक लोगों की संगति करिए, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक कलीसिया की संगति करिए। हालेलुया, जब आप ऐसा करेंगे तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, ये तीन स्टेप सिर्फ आपके लिए, ये तीन स्टेप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनने का कारण हो सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके उस पर विश्वास करें और उसे ग्रहण करें। हालेलुया, दूसरा स्टेप है यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लें। हालेलुया, तीसरा स्टेप है कि आप वचन और प्रार्थना में लगे रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करेंगे और एक सामर्थी कामों को आप अपने जीवन से करने पाएंगे। हालेलुया, यदि ये वचन आपको समझ में आया है, यदि इस वचन के मार्फत आपको आशीष मिला है, बरकत मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें और लोगों से कहें कि इस वचन को सुने और आशीष पाए। हालेलुया, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।